तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद रामेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जो दोस्त हमारे चैनल पर नया आया है उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। भट्टी की कीमतों में कमी से पहले कॉटन के मंदे में जाने वाली जल्द कल 24 जुलाई 2024 कॉटन मार्केट में आगाज ही मंदे से हुआ। पंजाब जहां एक रोज कबल 18,400 से 18,500 में काम हुआ था, वहां कल सुबह ही 18,000 में काम हो गया। इसी तरह सिंध जहां 17,700 की पोजीशन थी, वहां 17,400 में काम आया। लेकिन जैसे जैसे शाम होती गई मार्केट मंदी की लिपट में आती गई और फिर हर 2 घंटे बाद 100 रुपए कम होने की आवाजें आईं और आखिर में सिंध में कम से कम 17,000 में काम हुए, जबकि पंजाब में कम से कम 17,500 के काम हुए। मिली इससे कम की कोशिश करती नजर आई, लेकिन कपास मार्केट में बड़ा मंदा नहीं हुआ। इसीलिए जनरल ने महमूद सेल की कारोबारी हजम कम रहा और 90% जनरल ने 200 से ज्यादा कार्टन सेल नहीं की। अब सवाल यह है कि मार्केट इस लेवल पर रहेगी, इसका काम जवाब है। अब मार्केट इस जगह कुछ मुस्तकम हुई, मुमकिन है आज 25 जुलाई को जनरल जल्द इन कीमतों में फरोख्त ना करें। जनरल कपास मार्केट को देखेंगे, अगर कपास में मंदा आएगा तो जनरल कम रेट में सेल करेंगे, नहीं तो सब सूरतहाल को देखेंगे। हम जानते हैं कि मार्केट में बारिश और स्टॉप वाली कपास कम कीमत में दस्तयाब है। अगर कपास के रेट में कमी ना आई तो क्वालिटी में कमी आएगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि जनरल की एक बड़ी तादाद ने कपास के रेट कम होने से पहले काटन और बनोला कम रेट में फरोख्त कर दिया। सबने सोचा नुकसान कोर हो जाएगा। ये सोचते सोचते 1200 जनरल में से अब मुश्किल से 450 जनरल बच गई है। अल्लाह सबको नुकसान से महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।